भाइयों और बहनों, इस बार पूरे देश ने देखा है कि टीएमसी ने किस तरह गणतंत्र को गुंडा तंत्र बनाकर रखा है। यहां पर भारतीय जनता पार्टी को अपनी बात रखने से रोका जा रहा है, उम्मीदवारों को चुनाव लड़ने से, प्रचार करने से रोका जा रहा है। दीदी का ये गुंडा तंत्र, उसकी एक्सपायरी डेट तय हो चुकी है। अब ये गुंडा तंत्र नहीं चलेगा। साथियों, जिन गुंडों को, जिन तस्करों को अवैध तरीके से घुसपैठ कराकर पश्चिम बंगाल में लाया गया है, उन्होंने यहां के जीवन को नरकाघार में बदलने का भरसक प्रयास किया है। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने जैसे बंगाल की कल्पना की थी, आज ठीक उससे उल्टा हो रहा है। गुरुदेव डर से रहित ऊंचे मस्तक वाला बंगाल चाहते थे। दीदी के राज में बांग्ला युवाओं के मस्तक पर गोलियां मारी जा रही है। भाइयों और बहनों, डर का आलम तो ये है कि जय मां काली, जय मां दुर्गा, जय मां सरस्वती और जय श्री राम तक कहना मुश्किल हो गया है। अगर कोई युवा मजाक भी करता है, राजनीतिक व्यंग भी करता है, तो उसको जेल में ठूस दिया जाता है। यहां की ब्यूरोक्रेसी, यहां की पुलिस पर कितना प्रेशर है, इसका उदाहरण एक पूर्व आईपीएस की खुदकुशी है। और मैं गंभीर आरोप लगा रहा हूं, वो व्यक्ति जिसने पूरा जीवन पश्चिम बंगाल के सामान्य मानवी के जीवन की सुरक्षा में लगा दिया, उसको आत्महत्या के लिए मजबूर कर दिया गया। जहां पुलिस प्रशासन ही इतने खौफ में जी रहा है, ऐसे दिनों की कल्पना तो गुरुदेव टैगोर ने कभी नहीं की थी। जिस राज्य में एक आईपीएस अधिकारी को ही न्याय नहीं मिलेगा, वहां सामान्य मानवी कितने डर में जी रहा होगा, ये अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है।